हेलो बडीज, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो बच्चों, हमने प्रोक्रियोट जो है वो स्टार्ट किया था। प्रोक्रियोटिक सेल में हमने इतना कर लिया था। आज जो है प्रोक्रियोटिक सेल की लास्ट वीडियोज है और फिर प्रोक्रियोटिक सेल जो है हमारा कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। सो आज हम देखेंगे प्रोक्रियोटिक जो सेल है हमारा, उसकी सेल एनवलप वगैरह, ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, सो बच्चों लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मुझे जरा कैबिनेट सेट करने दो। चलो ठीक है बच्चों, अब देखो सेल एनवलप एंड इस मॉडिफिकेशन। बच्चों बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो सेल एनवलप प्रेजेंट होता है। सेल एनवलप जो है मेनली बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द प्रोक्रियोट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, सेल एनवलप जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक जो है ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर, मिडल वाली सेल वॉल एंड इनर मोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो क्या बना देती है? सेल एनवलप बना देती है। अब बच्चों सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। अब हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में आज अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों केमिकल कॉम्बिनेशन जो है इन तीनों की, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब जो इनके अंदर, मतलब जो स्ट्रक्चर वगैरह है इन तीनों का, काफी कॉम्प्लेक्स है। ये तीनों लेयर्स जो है वो काफी टाइटली अटैच होती हैं एक दूसरे से। अगर मैं तीनों लेयर्स की, देखो बच्चों, अगर थिकनेस के बारे में बात करूं, उनका फंक्शन क्या है, उनका साइज क्या है, ठीक है बच्चों, तो ये तीनों का क्या है वो डिफरेंट होता है। बट अगर बात आती है प्रोटेक्शन पे, तो ये तीनों जो है एज अ सिंगल यूनिट वर्क करते हैं। सो ऑल थ्री बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। नेक्स्ट आता है बच्चों मेरे पास ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बच्चों जो है वो किसका बना होता है? पॉलीसेक्राइड का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीसेक्राइड का। और पॉलीसेक्राइड क्या है? शुगर है। सो शुगर है, दैट्स व्हाई ये बच्चों ये स्टिकी करेक्टर देता है बैक्टीरिया को। तो ग्लाइकोकैलिक्स बच्चों फर्दर दो टाइप्स का होता है। इट मे बी कैप्सूल, इट मे बी स्लाइम लेयर। अगर तो बच्चों ये कैप्सूल है तो ये काफी लेयर जो है वो थिक होएगी, टफ होएगी, हार्ड होएगी। बट अगर ये स्लाइम है तो काफी थिन होएगी, सॉफ्ट होएगी, लूजली अटैच होएगी। ठीक है बच्चों, अगर कैप्सूल जो है ये मोस्टली बच्चों एब्सेंट होता है। मोस्टली बैक्टीरिया में जो आपको ग्लाइकोकैलिक्स लेयर देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको स्लाइम लेयर। ये वाली जो है वो काफी रेयरली आपको देखने को मिलती है। अब बच्चों सपोज करो मैंने अगर बैक्टीरिया एक इनगल्फ कर लिया और उसकी जो सेल एनवलप है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है कैप्सूल वाला, तो ये क्या करेगा? ये देखो बैक्टीरिया यूजली हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? एक्टिवेट हो जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बट ये बच्चों बैक्टीरिया जिसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है, ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को छुपा के रखती है। लेयर हाइज बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। अब बच्चों अगर मेरे इम्यून सिस्टम को पता ही ना चले कि ये कोई फॉरेन जो पार्टिकल है मेरी बॉडी के अंदर आएगा, तो वो तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। दैट मीन्स बैक्टीरिया डैमेज नहीं होगा। डैमेज नहीं होगा तो मेरी बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। अब बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ सेल लेवल, अब सेल एनवलप जो है वो क्या है, स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है, इसके बेसिस के ऊपर मेरा जो बैक्टीरिया है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। अब बच्चों स्टेनिंग की मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो बच्चों किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर वो आपको एज यूजुअल नहीं दिख रहा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो क्या किया जाता है? स्टेनिंग की जाती है। मतलब उसे डाई से कलर प्रोवाइड किया जाता है। अब कलर प्रोवाइड करने के लिए कौन सी डाई यूज होती है? क्रिस्टल बॉयलर। हर एक के लिए बच्चों अलग अलग होती है, किसी के लिए बेसिक है, किसी के लिए न्यूट्रल है। सो इट डिपेंड्स अपॉन हम कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके लिए हम डाई यूज कर रहे हैं। अब ग्राम पॉजिटिव वाला मतलब कि उसने डाई ले ली है, मतलब उसके ऊपर डाई का कलर आ गया, कलर आ गया, तो बच्चों उसमें वॉयलेट और पर्पल कलर आएगा। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट मींस वो लाइट कलर देगा, पिंक कलर देगा। ये थी हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन को ही हम म्यूरिन या म्यूरिक एसिड कह देते हैं। अब बच्चों जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये शुगर प्लस अमीनो एसिड बना, पहले भी मैंने बताया होगा कि शुगर क्या है, हमारी पॉलीसेक्राइड है। अब जो शुगर है ये दो टाइप्स की यूज होती है, एक होती है नेग और एक होती है नेम, एन एसिटाइल ग्लूकोअमीन, एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड। अब बच्चों ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि ये जो है एक एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो आप मत रखो याद, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दो चीजें नहीं दी। देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस भी लगाया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब सेल वॉल के दो मेजर फंक्शन है। सबसे पहले तो ये क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, और दूसरा मेजर फंक्शन ये है कि ये बर्स्टिंग से बचाती है बैक्टीरिया को। और ठीक है बच्चों अगर ये नहीं प्रेजेंट होगी तो अब देखो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एनिमल्स वगैरह हो गए, इनमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। बट फिर उसका मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है। अब प्रोक्रियोट तो बेचारा वैसे ही इसमें बहुत सारी चीजों की कमी है, मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, तो अगर सेल वॉल भी नहीं होगी तो उसे थोड़ा मुश्किल होगी। अब बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकन है ना,
जिस जो मेरा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है, इसमें भी ये लेयर जो है वो डिफर करेगी। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसकी लेयर थिक होगी, अगर ग्राम नेगेटिव है तो उसकी लेयर जो है वो थिन होगी, मतलब कि पतली होगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी सेल वॉल। सेल वॉल बच्चों आप यहाँ पे थोड़ा सा इसे कर लो, क्योंकि जब हम यूकेरियोट सेल पढ़ेंगे ना तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके जो किएंगे करेंगे, क्योंकि जो प्लांट्स वगैरह हैं उसमें तो सेल वॉल होती है ना। नेक्स्ट आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बच्चा सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कि वाटर जैसे सॉल्वेंट और कुछ छोटे मोटे सॉल्यूट को क्या करता है, अंदर आने की इजाज़त दे देता है, बट बहुत सारे सॉल्यूट ऐसे भी है जो इसके अंदर नहीं आ सकते। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, मतलब इसमें लिपिड भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे तीन ही पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, क्यों? क्योंकि जो आगे जाके हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। फिलहाल आप प्रोकैरियोट में इतना ही याद रखो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एक लास्ट स्ट्रक्चर जो आता है जो क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर बच्चों जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी ही अंदर इनफोल्डिंग होती है। ये एक लैमेला शेप का होता है, कुछ प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे हो गया। बच्चों मैंने जिन्होंने तो पहली वीडियोस देखी है उन्हें पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म विच कंटेन पिगमेंट। अब बच्चों ये क्रोमेटोफोर जो है इसमें बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है तो मेसोसोम जो है वो क्या करता है, जरा कमेंट में लिख के बताओ। अब बच्चों हमारे पास आता है पिल्लाए, फ्लैजिला, फिम्ब्रे। ये तीन स्ट्रक्चर जो है अब हम स्टडी करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये तीनों जो है वो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होते हैं, बट नहीं बच्चों ये बात गलत है, क्योंकि जो फ्लैजिला है सिर्फ यही हमारा लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है। पिल्लाए और फिम्ब्रे जो है वो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है, वो नॉन लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है, मतलब कि बैक्टीरिया को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने में, उसे मूव करने में हेल्प नहीं करते। सो सबसे पहले ये देखो बच्चों, ये बाहर वाली सेल वॉल है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो आपको छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के, ये है हमारे फिम्ब्रे, और जो ये रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको ये है हमारे पिल्लाए। पिल्लाए एज कम्पेयर टू फ्लैजिला काफ़ी लंबे होते हैं और फिम्ब्रे जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं। पिल्लाए जो है वो लेस इन नंबर प्रेजेंट होते हैं, मतलब 1 से 10 प्रेजेंट हो गए, वेयर एज हमारे जो फिम्ब्रे हैं वो जो है 300 से 400 नंबर तक, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। पिल्लाए जो है वो इलॉन्गेटेड ट्यूबलर स्ट्रक्चर है हमारे पास, और ये किससे बना होता है, ये पिलिन प्रोटीन से बना होता है और कंजुगेशन में हेल्प करता है। अब कंजुगेशन में क्यों हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, ये हम आगे अपनी अगली वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि पिल्लाए कंजुगेशन में हेल्प करता है। फिम्ब्रे जो है वो ब्रिसल लाइक होता है, रॉक के साथ, होस्ट के साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल के साथ जो है बैक्टीरिया को अटैच करवाने में हेल्प करता है। ये बहुत जितने भी पिल्लाए हैं, जितने भी फिम्ब्रे हैं, ये लोन लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है, और ये किसकी एक्सटेंशंस है, ये सेल सरफेस की एक्सटेंशंस है। नेक्स्ट आता है मेरे पास फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है वो अगर तो प्रेजेंट है दैट मीन्स बैक्टीरिया मोटाइल है, अगर एबसेंट है दैट मीन्स जो मेरा बैक्टीरिया है वो क्या है, नॉन मोटाइल है। अब फ्लैजिला कितने नंबर में प्रेजेंट होंगे, कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सारी एक तरफ होंगे या बाकी तरफ होंगे, ये टोटली जो है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के, उसके हैबिटेट के, ठीक है, उसकी हैबिट्स के। अब ये फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, प्रोकैरियोट में फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट में तो वो ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो मे वेरी, डिस्ट्रीब्यूशन मे वेरी करती है, नंबर भी जो है वो इसका वेरी करता है। अब जो फ्लैजिला है बच्चों, प्रोकैरियोट के फ्लैजिला में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, हुक जो है वो सेल वॉल के साथ अटैच होता है, एंड हुक से जो ये लंबा थ्रेड लाइक फिलामेंट जो है वो हमारा निकलता है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारा फ्लैजिला का। अब फ्लैजिला जो है वो सेल वॉल की एक्सटेंशन होती है बच्चों। सो इसी के साथ हमारा जो प्रोकैरियोट है वो आज खत्म हो जाता है, नेक्स्ट हम जो है वो यूकैरियोट स्टार्ट करेंगे। कल मैं उसकी वीडियोस अपलोड करनी भी आपको शुरू कर दूंगी, सो एक बार आप पूरा प्रोकैरियोट के, सो अगर आप बच्चों कोई नोट्स बनाना चाहता है तो बिल्कुल मेरे नोट्स को देख के जो है वो बना सकता है, बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये मेसोसोम वगैरह का कंसेप्ट जो है वो आप अच्छे से करके रखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट में हम दोबारा स्टडी करने वाले हैं, सो आप इसकी चिंता मत करिए, हम डिटेल में वहाँ पर स्टडी करेंगे विद स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, थैंक यू।